नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव इंडियंस पे। दोस्तों उम्मीद है आपने हमारे पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने मुक्तेश्वर महादेव का जो ट्रैक का देखा वो दो पार्ट में वीडियो है, थोड़े लंबे वीडियो हैं, लगभग 10-11 मिनट के दो वीडियो हैं, आपने देखा होगा और काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, यदि आप कोई गाइड नहीं भी लेते हैं तो भी आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कैसे हमें ट्रैक पे चलना है, कहां पर क्या चीज़ है, एक सपोर्ट मिल जाएगा। ये वीडियो है मुक्तेश्वर से वापस आते हुए, हम नैनीताल जा रहे थे क्योंकि हम नैनीताल में ही हमने स्टे किया था। तो मुक्तेश्वर का जो सनसेट है वो बड़ा फेमस है और चांस की बात है हमें वो दिखने लगा एक लोकेशन से, तो हमने आपको वो सनसेट भी दिखाया है। उसके बाद इसी वीडियो पे हमने आपको अपने होटल से एक नाइट व्यू दिखाया है लेक का, फिर उसके बाद हमने माल रोड का मॉर्निंग का व्यू दिखाया। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिए हमारी नई वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए बकरी, रेनू बोल रही थी कि हम सोच रहे थे यहाँ बकरी नहीं है लेकिन बकरी दिख गई। दोस्तों मुक्तेश्वर जो है वो फेमस है अपने सनसेट और सनराइज व्यू के लिए। आप देखिए यहाँ क्या व्यू है सनसेट और सनराइज का। ये इस समय सनसेट हो रहा है और इतना बढ़िया व्यू दिख रहा है आपको। ये मजा जो है आपको, ये मजा सनसेट का ये आपको मुक्तेश्वर में ही दिखेगा। बेसिकली मुक्तेश्वर का ही एरिया है ये पूरा। और रेनू देखिए बढ़िया आग पा गई है, तो आग सेकने लगी। ये बढ़िया है तुम्हारा है ना, आग पा गई हो। ये दोस्तों सनसेट व्यू बहुत बढ़िया। और ये एरिया पूरा एप्पल की फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है। बेसिकली फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है, एप्पल की फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है। ये नीचे जितना भी आप देख रहे हैं एप्पल के फार्म हैं, पीछे की तरफ भी एप्पल के बहुत बड़े फार्म हैं। और जब भी एप्पल स्टार्ट होता है भारत में तो सबसे पहले इसी एरिया में स्टार्ट होता है, वो लगभग मई एंड से या जून फर्स्ट वीक से एप्पल यहाँ पे हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर हिमाचल का स्टार्ट होता है और फिर स्टार्ट होता है कश्मीर का। तो इस समय कश्मीर का एप्पल चल रहा है और अभी यहाँ पे केवल एप्पल के पेड़ है, सॉरी माफ़ी, एप्पल के पेड़ है। वो देखिए सामने एक मंदिर, जिस तरह ये देवभूमि कही जाती है तो आपको जगह जगह पहाड़ों पे मंदिर मिल जाएंगे। और ये है होटल प्रशांत जहाँ हम रुके थे, वहां से नैनीताल लेक का एक नाइट व्यू। ये देखिए नीचे आपको दिख रहा है होटल का ऑफिस, ये पार्किंग एरिया, इधर पर्सनल कॉटेज है ओनर का। और ये देखिए पूरा एक लेक व्यू दिख रहा है आपको, सामने बिल्कुल नैना देवी टेम्पल है। तो ये देखिए ये रात का भी व्यू है और काफी अच्छा व्यू यहाँ से वहां तक दिखता है। मैंने सोचा रात को भी ये हम हैं इस समय माल रोड में, रात में भी आपको सीन दिखाया, ये दिन का सीन है माल रोड का। इस समय सवेरे के बज रहे हैं लगभग 9:30। ये है सामने होटल इंडिया, आप चाहें तो ये बस एक छोटा सा एक वॉक है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं सामने लेक है नैनी लेक और हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं। और ये एक व्यू है कि आप अगर ऑनलाइन होटल सर्च करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है होटल एवरेस्ट। अगर आपको मेन माल रोड पे ही रुकता है तो आप इन होटल को देख सकते हैं। ये सब बजट होटल तो नहीं होंगे, मुझे लगता है 2500 से नीचे, तो 2500 से नीचे तो किसी का भी रूम नहीं होगा। ये होटल अलका है, ये और महंगा होगा। एक छोटा सा शॉर्ट व्यू आपको दिखा दें हम। हाँ, उसकी सर्किट भी है। और ये देखिए डोमिनोज भी है यहाँ पे, आगे है होटल जगाती। और अभी देखिए पानी इस समय बोट में नदी में बहुत ज़्यादा है, जितनी बार मैं आया हूँ सबसे ज़्यादा पानी इस बार दिखा है। और दोस्तों एक चीज़ और, जब भी आप माल रोड में आएंगे ना तो आपको यहीं पे हिमालयन दर्शन जो 7 पॉइंट और 11 पॉइंट हैं उसके आपको गाड़ी वाले मिलेंगे। और आज हम लोग जब इवनिंग में आए थे दोपहर के टाइम, जितनों ने भी रेट बताया था वो रेट 600, 700, 800 रुपये, 1000 रुपये बताया था। लेकिन अभी इस टाइम एक गाड़ी वाला सामने सामने आया और उसने खुद सही बोला कि सर आपको सारे पॉइंट्स हम करा देंगे 350-400 रुपये में। तो दोस्तों नेगोशिएशन होता है, आप कोशिश करिए नेगोशिएट करने की।
और ये व्यू है माल रोड का, ये देखिए सामने। अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए मार्केट ज़्यादा ओपन नहीं हुई होगी। सामने नैनी लेक है, पानी बिल्कुल भरा है। अभी कुछ दिनों पहले जब काफ़ी उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो ये नदी में बारिश जब बहुत ज़्यादा हुई थी तो नदी में बहुत ही ज़्यादा बारिश की वजह से पानी ओवरफ्लो हो गया था और नीचे वाली रोड तक में पानी आ गया था और ये पानी आगे जाके जहाँ बस स्टैंड है उस तरफ पूरा भरने लगा था। ये देखिए ये है होटल शीला, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब हम आपको एक एक होटल और उसका रेट नहीं दिखा रहे हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनी हुई है एक माउंटेनियरिंग की। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप सर्च कर सकते हैं। और शॉप्स भी हैं, अभी शॉप ओपन नहीं है क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है। और अभी हम यहाँ से चलते हैं बोट क्लब की तरफ। और ये अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए माल रोड ओपन है, गाड़ियाँ आ रही हैं। शायद थोड़ी देर बाद, एक डेढ़ घंटे बाद गाड़ियाँ आना बंद हो जाती हैं यहाँ पे। ये लेक साइड इन है होटल, ये भी अच्छा होटल लग रहा है, थोड़ा कॉस्टली होगा तो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे पार्किंग भी है, पार्किंग की फैसिलिटी भी है गेस्ट की। और कैफ़े भी है, लेक साइड कैफ़े। सामने देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है इस होटल से, बिल्कुल आपको सामने ओपन व्यू दिखेगा लेक का। सामने है होटल आशियाना। तो इस तरह बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे। ये दोस्तों एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग जो माल रोड पर ही बनी हुई है लेक के पहले की तरफ, क्या है पता नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है बंद है, लॉक वॉक लगा हुआ है, आजकल ही बंद है क्योंकि इसकी स्थिति देख के लग नहीं रहा है कि साफ सफाई भी इसकी हो रही है, कंडीशन देख के नहीं लग रहा है, लेकिन आजकल बंद है फिलहाल ये। बैठो बैठो, एक कैमरा मेरा वहीं रह गया। दोस्तों जल्दीबाजी में DSLR हमने ब्रेकफास्ट करके होटल के ओपन एरिया में ही छोड़ दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से मिली। नैनीताल, और नैनीताल में ही तल्ली ताल और मल्ली ताल दो ताल हैं। तल्ली ताल मल्ली ताल पूरा मिला के नैनीताल। ओके, तल्ली ताल मल्ली ताल पूरा मिला के नैनीताल। तो दोस्तों आज हमारा आखिरी दिन है नैनीताल में और हम यहाँ पे वो काम आखिरी दिन कर रहे हैं जो काम पहले दिन करना चाहिए, वोटिंग। तो आप जब भी आए आप पहले दिन वोटिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे वोटिंग आखिरी दिन कर रहे हैं। और हमारे पूरे ट्रेवल की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप देखिए यहाँ से काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, ऊपर की तरफ आपको जो दिख रहा है वो रोप वे है, पीछे की तरफ जू है, सामने आपको नैना देवी टेम्पल दिख रहा है। तो ये है मेन नैनीताल, ये ठंडी सड़क कहलाती थी जो अभी इस बार जो लैंडस्लाइड हुआ बारिश हुई सब बंद हो गई।